हाय एवरीवन, मैं स्वरूप सिंह स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हैंडीक्राफ्ट जंक्शन पर। आज के वीडियो में हम दिखाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस बॉक्सेस और एडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ वुडन प्रोडक्ट्स इन योर किचन। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ, जिससे आपको वुडन आइटम्स के जो बेनिफिट्स है वो आपको पता चले और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पाइसेस बॉक्सेस है उसके सारे फीचर्स आपको मालूम रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देख सकते हैं आप हमारे सामने ये अलग अलग टाइप्स के स्पाइसेस बॉक्सेस है। इसका हम डिस्कस में एक एक एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको समझाऊंगा और इसके जो यूजेज है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे जो पहला प्रोडक्ट है हमारा वो है 9 बॉक्स कंटेनर। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यूजफुल ये आता है और सबसे ज़्यादा जो सेल होता है वो ये वाला ही टाइप है जो हमारा। इसको आप देख सकते हैं वुडन की नेचुरल पॉलिश इस पर हुई है। शीशम का ये बॉक्स है आपका। पहले इसके अंदर हम ग्लास यूज करते थे लेकिन ग्लास के अंदर ब्रेकेज की बहुत प्रॉब्लम आने लग गई। उसके बाद हमने इसको हार्ड एक्रेलिक का यूज किया क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में ग्लास टूट जाता है लेकिन एक्रेलिक को टूटने का इतना चांस नहीं रहता, थोड़ा वो मजबूत आता है, वो भी ट्रांसपेरेंट है। ये 9 बॉक्स आते हैं इसके अंदर। आपको अगर क्लीन करना है तो बॉक्सेस को आप निकाल के उसको क्लीन कर सकते हो। जो इसकी साइज है वो आपको मैं नाप के बता रहा हूं, 8x8 की जो साइज है इसकी स्क्वायर शेप में, और इसकी जो हाइट है वो आप देख सकते हैं 2 इंच के करीब हाइट आती है इसकी। हमारे पास कुछ और से मॉडल भी है जिसकी हाइट 2.5 इंचेस के करीब है। तो ये देखा आपने 9 कंटेनर वुडन स्पाइस बॉक्सेस। इसको एक अच्छा लुक और एंटिक देने के लिए आप इसका देख सकते हैं इस तरीके का एंटिक लॉक हमने लगाया है इसके ऊपर। इसके बाद आता है 9 कंटेनर्स के अंदर ही ये देख सकते हैं आप, ये भी 9 कंटेनर्स है। कॉन्फ़िगरेशन इसका सेम है, साइजेस सेम है। इसके अंदर ये राउंड डिब्बी यूज में ली जाती है। ये बस एक स्टाइल या चेंज हुई है या फिर एक वेरियंट बना है। कुछ कस्टमर ऐसी गोल्ड डिब्बी की डिमांड करते हैं, इसके लिए गोल्ड डिब्बी का है। ये भी मूवेबल है, आप इसको निकाल के आराम से इसको साफ कर सकते हो। इसके अंदर भी सेम फीचर्स हैं, ये भी 8x8 का है आपके, और 2 से 2.5 की हाइट है इसकी। ये एक्रेलिक लगाया हुआ शीट है, इसको निकालने के बाद इस तरह का आपका लुक आएगा ट्रांसपेरेंट। ये स्क्रैचेस से बचाने के लिए लगा रखी है इसको हम। 9 कंटेनर के बाद जो सबसे ज़्यादा चलता है वो 12 बॉक्स कंटेनर है, ये आप देख सकते हैं हमारे साथ। एक बात, ये जो स्पाइस ये स्पून है वुडन की वो सबके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। सारे स्पाइस बॉक्सेस के साथ एक एक स्पून आपके साथ आएगी जिससे आप मसाला ले सकते हैं। ये भी शीशम वुड के अंदर है, ये शीट हटेगी और ये एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको भी आप क्लीन करने के लिए ये आप हटा सकते हो, सारी डिबिया बाहर निकल के वापस इसको सेट कर लोगे। इसके अलावा इसके अंदर भी ये एंटिक लॉक दिया हुआ है, ये भी शीशम वुड के अंदर है। जो इसके हाइट और विड्थ है अप्रोक्स ये 8.5 इंच और ये आप देख सकते हैं 11 इंच के करीब है, और जो इसकी हाइट है 2.5 इंचेज के करीब इसकी हाइट है। 12 बॉक्स का ये कंटेनर है। 12 टाइप के मसाले आप इसके अंदर रख सकते हो, एक तरह से जो भी यूजफुल मसाला है वो सारा ये कर देगा, आपको किसी भी दूसरे बॉक्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो अप्रोक्स साइज है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1.5 इंच 2.5 इंच के करीब है और ये 2.25 इंच के हाइट है। इसमें आप अप्रोक्स 50 से 100 ग्राम के बीच में मसाला डाल सकते हो, वो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ डालना चाहते हो। अगर आप काली मिर्च डालोगे तो इसके अंदर आपकी काली मिर्च 30 ग्राम या 40 ग्राम ही आएगी।
12 बॉक्स के अंदर ही, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर वो मूवेबल डिब्बी नहीं है, ये सेक्शंस बना के रखे हैं इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि हमें डिब्बिया नहीं चाहिए, तो ऐसे कस्टमर के पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। यही ऑप्शन आपको 9 बॉक्स कंटेनर में मिल जाएगा, और यही बॉक्स आपका ये 12 बॉक्स में भी आपका ये स्टाइल मिल जाएगी, जिसके अंदर ये बाहर निकलने वाली डिब्बिया नहीं होगी, और ये कंटेनर की जगह ये पार्टीशन आपके बना दिए, जिसके अंदर ये 12 पार्टीशन है। इसके साथ भी स्पाइस बॉक्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी एक्रेलिक लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट। इसके साथ ये स्पाइस बॉक्स के साथ में ये स्पून कॉम्प्लीमेंट्री है, ये लगभग सारे स्पाइस बॉक्स के साथ आएगा आपका। इसके हुक में हमने थोड़ा सा चेंज या बदलाव किया है, इसके अंदर ये गोल्डन टच दिया गया है इसको, और इस टाइप का हुक लगाया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ। इसको थोड़ा राजस्थानी टच दिया गया है, यह आप देख सकते हैं, ये 12 बॉक्स का कंटेनर है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज और पेंटिंग्स आपको काफी मिल जाएगी, 100+ पेंटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। ये शीट ट्रांसपेरेंट है, ये यहां से आप हटाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, स्क्रैचेस ना लगे, इसके लिए हमने लगा रखी है इसको। ये भी 12 डिब्बिया इसके अंदर है, ये रिमूवेबल डिब्बिया है, आप इसको बाहर निकाल सकते हो और साफ करके वापस इसको सेट कर सकते हो। एक नया वेरिएंट हमने डाला है, थोड़ा राजस्थानी टच और फील दिया इसके लिए, इसका इसको हैंड पेंटेड करवा के अच्छी सी फिनिशिंग से इसको तैयार किया है, ये आपके किचन को एक अलग ही लुक देगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ। हम ये 4 बॉक्स के अंदर सेक्शन बना रखा है। आपको लगता है कि आपको मैंडेटरी मसालों की ही जरूरत है, आपको ज़्यादा मसालों की जरूरत नहीं है, तो इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया ये 4 बॉक्स इसमें आराम से आपका अच्छा खासा क्वांटिटी आ जाएगी। इसकी जो साइज है आपकी 7x7 का है, और इसकी जो हाइट है वो 2.5 इंच के करीब हाथ है, 7x7 इंचेज और 2.5 इंचेज की इसकी हाइट है। इसके अंदर 4 कंटेनर दिए हुए हैं। रिमूवेबल डब्बी का एक ड्रॉबैक रहता है, वो एक्स्ट्रा साइज ले लेती है जिससे स्पेस कम हो जाता है, लेकिन जैसे आप देखेंगे कि पार्टीशन जैसे बनते हैं, इसके अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। इसके साथ भी स्पून कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी सीसम वुड के अंदर ही है। इसका एक और यूज कर सकते हैं आप, इसको चाहे तो माउस फ्रेशनर या ड्राई फ्रूट बॉक्सेस के लिए भी यूज में ले सकते हैं आप। इसको दिवाली पे ड्राई फ्रूट बॉक्स भर के इसको आप गिफ्ट दे सकते हैं अपने रिलेटिव्स को, या फिर आप अपने घर के अंदर इसको रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट बॉक्स डाल के किसी भी जो गेस्ट वगैरह आ रहे हैं उनको सर्व करने के लिए। तो ये दोनों यूज के लिए, इसको ड्राई फ्रूट बॉक्स भी बोल सकते हैं और स्पाइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। इसी कैटेगरी का हमारे पास ये और भी है, इसको डिजाइन थोड़ा चेंज किया है, इसका 10x4 की इसकी जो साइज है और इसकी जो हाइट है वो 2.5 इंच के करीब है। ये भी 4 सेक्शन में बना हुआ है, ये 3 सेक्शन में भी अवेलेबल रहता है ऑन कस्टमर डिमांड। ये भी आप स्पाइस बॉक्स बना सकते हो या ड्राई फ्रूट बॉक्स का यूज ले सकते हो। इसमें भी आप दिवाली के लिए ड्राई फ्रूट भर के अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट दे सकते हो। ये शीट ट्रांसपेरेंट है, ये हट जाएगी उसके बाद ये ऐसी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, स्क्रैचेज ना लगे इसके लिए हमने इसको लगा रखा है। इसके साथ भी स्पाइस बॉक्सेस के साथ में ये स्पून कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी कैटेगरी के अंदर एक हमारा ये ट्रायंगल शेप भी स्पाइस बॉक्सेस है, ये भी स्पाइस बॉक्स कम ड्राई फ्रूट बॉक्स बन सकता है, ये आप देख सकते हैं, इसको ट्रायंगल शेप में दिया हुआ है। 4 बॉक्सेस है इसके अंदर, इसको भी आप ड्राई फ्रूट बॉक्स बना सकते हो या फिर आप इसको स्पाइस बॉक्स बना सकते हो। ये पूरा ट्रायंगुलर शेप में है, डिब्बी भी ट्रायंगुलर है, इसका शेप भी ट्रायंगुलर है। ये त्रिभुजाकार आपको बहुत ही अच्छा फील और दुखे, डिजाइन इसकी बहुत ही प्यारी लग रही है। 9x9 का ये कंटेनर है, इसको आप स्पाइस बॉक्स बना सकते हो, ड्राई फ्रूट बॉक्स बना सकते हो, दिवाली पे किसी को गिफ्ट देने के लिए ड्राई फ्रूट डाल के इसको वो दे सकते हो। इसके अंदर एंटिक लॉक लगा हुआ है इसमें।
इसके अंदर भी स्पून कॉम्प्लीमेंट्री है, साइज कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग साइज की है तो उस डिफरेंट साइजेस के अंदर भी हमारा प्रोडक्शन हाउस अब वो प्रोडक्ट बना सकता है, तो आप बेहिचक हमें बता सकते हैं। अगर आपको किसी अलग साइज में ये स्पाइस बॉक्सेस चाहिए तो वो भी बन जाएगा। तो ये देखा आपने वुडन के अंदर कितने टाइप्स के स्पाइसेस बॉक्सेस हमारे पास अवेलेबल थे। इसके अलावा भी अपने पास कॉपर के अंदर, स्टील के अंदर ये स्पाइस बॉक्सेस अवेलेबल है। अभी इसका स्टॉक नहीं है, जो इन फ्यूचर आने वाला है वो भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बताएंगे आपको एक्सप्लेन करके। आज हम इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं वुड के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, वुड का स्पाइस बॉक्स आप यूज करते हैं अपने किचन के अंदर। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज, वुड एक एंटीबैक्टीरियल होती है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरल जो बैक्टीरिया को मारने की शक्ति होती है, तो आपके स्पाइसेस बॉक्सेस में रहेंगे अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह होता है तो वो नॉर्मली उसको खत्म कर सकती है। वुड एक तरह से रिन्यूएबल होती है और एनवायरमेंटली अच्छी होती है। एक तरह से हम लकड़ी का यूज करके एनवायरमेंट की हेल्प करते हैं, क्योंकि जो ये वुड है वो वापस बायोडिग्रेडेबल होती है, जिससे ये एनवायरमेंट में वापस मिल जाती है। अगर हम प्लास्टिक का और स्टील वगैरह का यूज करते हैं तो इससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप वुड के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बताएंगे, बहुत से वुडन के प्रोडक्ट है जो किचन वेयर में काम आते हैं, किचन अप्लायंसेज में काम आते हैं। इसके बाद थर्ड जो इसका जो बेनिफिट है वुडन का, वुडन प्रोडक्ट लुक फेबुलस, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। वुडन प्रोडक्ट आल्सो गिव्स यू अ ब्यूटीफुल अपीयरेंस टू द किचन। ये थे कुछ एडवांटेज लकड़ी के बारे में, वुड के प्रोडक्ट के बारे में। आगे वाले कुछ वीडियो में हम आपको लकड़ी के काफी सारे प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, तो उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे और भी इनके जो बेनिफिट्स हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी भी प्रकार की इंक्वायरी आपको चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, वहां से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की बिजनेस इंक्वायरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है, मेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे जाके आप और देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल्स के बारे में। इसके अलावा आप नए नए वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।